नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीआरएच फैक्ट। दोस्तों आज दो बड़ी अपडेट्स आ रही हैं, एक तो हमारी इंडियन एयरफोर्स से और दूसरी हमारी इंडियन नेवी से। चलिए चलते हैं बिना टाइम गवाए अपनी पहली अपडेट पर जो इंडियन एयरफोर्स से आ रही है। दोस्तों पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस यानी कि SCOD की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय वायुसेना फ्रांस से कम दो और मिराज 2000 ट्रेनर विमान खरीदने की सोच रही है ताकि इंडियन एयरफोर्स 51 विमानों को अपने बेड़े की ताकत को बनाए रखा जा सके। दोस्तों 2021 में भारत ने फ्रांसीसी वायुसेना से दो मिराज 2000 ट्रेनर खरीदे थे जिन्हें बाद में भारत में HAL द्वारा लेटेस्ट -5 कॉन्फ़िगरेशन में अपग्रेड किया गया। पायलट भर्ती के रेशो को बनाए रखने के लिए इंडियन एयरफोर्स ने नए लड़ाकू पायलटों के कन्वर्सेशन के लिए 10 मिराज 2000 ट्रेनर विमान के बेड़े की आवश्यकता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारतीय वायुसेना 2035 तक मिराज 2000 बेड़े को ऑपरेशन में रखने का सोच रही है जिसके बाद वह तेजस MK2 लड़ाकू जेट के साथ मिराज 2000 को दो चरणों में उन्हें रिटायर्ड करना शुरू कर देगी। और इंडियन एयरफोर्स ने हाल ही में अगले 15 वर्षों के लिए पुर्जों के रूप में उपयोग करने के लिए फ्रांस से 16 रिटायर्ड हो चुके मिराज 2000 विमान को प्राप्त किया है। चलिए बढ़ते हैं अगली अपडेट पे जो हमारे इंडियन नेवी से आ रही है। दोस्तों गार्डन रीच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स लिमिटेड और कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा भारतीय नौसेना के लिए बनाए जा रहे 16 एंटी सबमरीन शैलो वाटर क्राफ्ट में देसी हल माउंटेड सोनार होगा। दोस्तों ये फैक्ट गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स द्वारा बनाए जा रहे 8 एंटी सबमरीन वारफेयर और शैलो वाटर क्राफ्ट की श्रृंखला में दूसरे INS एंड्रॉथ के लॉन्च के दौरान सामने आया। GRSE के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर रिटायर्ड कमांडर PR हरी ने कहा कि पूरी तरह स्वदेशी सोनार विशेष रूप से एंटी सबमरीन वारफेयर और शैलो वाटर क्राफ्ट के लिए विकसित किया गया है। दोस्तों इससे पहले दिन में पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैंक ऑफिसर कमांड इन चीफ दिनेश के त्रिपाठी ने बताया था कि नौसेना के इन युद्ध पोतों के लिए हल माउंटेन सोनार की आपूर्ति के लिए कॉन्ट्रैक्ट में अमेंडमेंट कर रहे हैं। दोस्तों मैं आपको बताता चलूं कि हल माउंटेन सोनार किसी भी युद्ध पोत के लिए महत्वपूर्ण हिस्सा है, विशेष रूप से जो पनडुब्बी और अन्य सब सरफेस थ्रेट्स को खोजने में लगी हुई है। दोस्तों इन जहाजों के लिए स्वदेशी सोनार प्रणाली भारत के आत्मनिर्भर प्रयासों का हिस्सा है। ये इन प्लेटफॉर्मों के लिए अधिक से अधिक स्वदेशी सामग्री सुनिश्चित करेगा। उनके पास पहले ही 85% से अधिक स्वदेशी सामग्री है। दोस्तों पिछले 63 वर्षों में GRSE ने नौसेना के लिए 70 जहाजों की आपूर्ति की है, अब ये 15 और बना रहे हैं। 8 एंटी सबमरीन वारफेयर और शैलो वाटर क्राफ्ट के अलावा 3 उन्नत स्टेल्थ मिसाइल फ्रिगेट और 4 सर्विस विसल है। इनमें से 7 जहाजों को पहले ही लॉन्च किया जा चुका है। दोस्तों आपको क्या लगता है पूरी अपडेट पर प्लीज कमेंट करना और मेरा वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद।